तो कैसे आप सब लोग, दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वैष्णो देवी की यात्रा आपको कराऊंगा और आने जाने का सारा सफर आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं आपको ए टू जेड सारा रास्ता दिखाऊंगा वैष्णो देवी का और आपको काफ़ी सारी चीज़ दिखाऊंगा। जैसे कि आप बैक में देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पर भी जैसे कि लोग यात्रा कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक आपको यहाँ पर कार्ड भी देखने को मिलता है। दोस्तों ये कार्ड आपको ज़रूरी है, अगर आपके पास ये कार्ड नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप आपकी एंट्री तभी दो दो घंटे में होती है, अगर आपकी 25,000 रुपये ऊपर लिमिट होती है तो दो घंटे के बाद आपको फिर ऐसा कार्ड देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा सफर, तो बिना कोई देरी हुआ इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अभी हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट खड़ा है सामने और ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए वैष्णो देवी के। और यहाँ पर हमें घोड़े देखने और यहाँ पर और शिव्स है, कई सारी शिव्स आपको देखने को मिलेगी। तो एक तरह के स्पेशल गेस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। तो ये तो सारा कटरा है नीचे का सारा और यहाँ पर अभी हम आए हैं। चलो अभी हम वापस चल रहे हैं दरबार की तरफ, तो चलते हैं। जय माता। तो दोस्तों ये है पहले भवन की झलक और हम भवन पे अभी बस पहुंचने वाले हैं। थोड़ी दूर का 750 मीटर्स का भी रास्ता है, बहुत ही कठिन रास्ता था पर बहुत माता रानी की कृपा दिखाई तो अभी हम पहुंच चुके। तो अभी अंदर देखते हैं फ़ोन ले जाना अलाउड है कि नहीं, तो अभी देखते हैं कि अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड है। तो अभी चलते हैं आगे, तो देखते हैं आगे एक्सप्लोर करते हैं। और कैसे आप सब लोग, और दोस्तों अभी हम वैष्णो देवी से जाकर आ चुके हैं। और दोस्तों वैष्णो देवी का काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और दोस्तों अगर आप ज़िंदगी में कभी वैष्णो देवी नहीं गए तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ तो आप वहाँ पर जाइए, क्योंकि वहाँ पर अपनी मन की शांति आपको देखने को मिलती है जो आपको कहीं भी नहीं मिलती। तो अगर आप ज़िंदगी में कभी भी वैष्णो देवी नहीं गए तो आप वहाँ पर जाइए, आपको गुफा का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, माता का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपली मैं बताता हूँ आगे आगे क्या हुआ। क्योंकि जैसे कि आप वैष्णो देवी जाते हो तो वहाँ पर एक आपको लॉकर देखने को मिलता है, आपको वहाँ पर फोन अलाउड नहीं है और आपके शूज़ अलाउड नहीं है। तो आप सभी लोगों को अपने लॉकर मिलते हैं, तो लॉकर्स पे आप अपने शूज़ फोन्स कैमरा DSLR जो मर्जी चीज़ है वो आपको रख के जानी पड़ेगी, फिर आप अंदर दर्शन कर लीजिए।
दर्शन करने के लिए क्या आपको नहाने के लिए भी वहाँ पर स्थान मिलेगा, जैसे कि अगर आप नहा कर नहीं आए तो आप नहा सकते हो, तो ऐसी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। और दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप कभी गए नहीं तो वहाँ पर ज़रूर जाइए। और दोस्तों ये जम्मू में पड़ता है और ये कटरा टाउन में पड़ता है और ये आपको वहाँ से कोई भी टैक्सी मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर 12.5 किलोमीटर से पूरा यहाँ से जाने का है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस मेरा रहा है। अभी हम जाते हुए मैं आपको सारा एक्सप्लोर करके दूँगा, तो बिना कोई देरी हुआ अभी रास्ते को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों ये सारा कटरा है जैसे कि आप देख सकते हो ऊंचाई से, और आपको दूर दूर तक जो अभी हम जाएंगे तो दोस्तों नीचे वाला रास्ता है पर अभी ये चलता नहीं, तो अभी जो रेगुलर रास्ता है वही हम इससे चलेंगे। तो यहाँ कटरा नीचे देख सकते हो, यहाँ पर सारा चलते हैं आप आगे। तो यहाँ पर यात्रा ट्रैक पे आपको कई सारी जैसे कि दुकानें आप सभी लोग देख सकते हो, खाने पीने की, रिफ्रेशमेंट की या बैठने की दुकानें, हर चीज़ की दुकानें आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। और दोस्तों काफ़ी चीप रेट पे आपको यहाँ पर खाने के देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये सारी दुकानें 24 घंटे खुली रहती है, मतलब कि आप जब मर्जी रात हो चाहे सुबह हो आप जब मर्जी अपने कोई भी सामान खरीद सकते हो या खाने पीने की चीज़ यहाँ से खरीद के ले जा सकते हो। और यहाँ पर प्रसाद का भी कई सारी मार्केट्स यहाँ पर खुल देखने को आपको मिल जाती है। शेयर कीजिए क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है और इतनी दूर का रास्ता है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा शेयर कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।